हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर फॉर सिलेक्शन टू द ग्रुप बी पोस्ट ऑफ एएमई ऑब्लिक एडब्ल्यूएम 70% मैकेनिकल डिपार्टमेंट। तो इसका एग्ज़ाम हुआ था 29 फरवरी 2020 को, तो एलडीसी एग्ज़ाम बोलते हैं, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स। 2 घंटे का पेपर था, 100 मार्क्स का। इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं टेक्निकल होते हैं और ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं उनमें। और जो पार्ट टू होता है, जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन गलत होने पर उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो आज के लेक्चर में हम 15 क्वेश्चन इस पेपर के देखेंगे, और अगले सबसिक्वेंट लेक्चर्स में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो पार्ट वन का जो टेक्निकल क्वेश्चन है, उसमें से मैंने 15 क्वेश्चन उठाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव लोडिंग ऑफ वैगन्स इज डिफाइंड एज। तो इसका आंसर होगा वैगन टर्न अराउंड। वैगन टर्न अराउंड, वैगन टर्न अराउंड, दैट मीन्स वॉट? इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जैसे वैगन की लोडिंग होती है, लोडिंग के बाद जब ट्रैफिक उसको डिस्पैच करेगा, और डिस्पैच करने के बाद जब उसका ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्टेशन टाइम में जाएगा, और वो फिर अनलोडिंग पॉइंट में जाएगा, और अनलोडिंग जैसे ही हो जाएगी तो फिर वह लोडिंग के लिए वह फिर से उपलब्ध हो जाएगा। तो एक लोडिंग होने के बाद वह दूसरे लोडिंग के लिए कब उपलब्ध हो रहा है, उस बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं वैगन टर्न अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएच पीरियोडिसिटी ऑफ न्यूली बिल्ट बीसीएनएचएल वैगन। तो इसमें बीसीएनएचएल वैगन की पीओएच पीरियोडिसिटी पता करनी है हमें, जिसका पीओएच पीरियोडिसिटी होता है 6 ईयर्स। कितना होता है? 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम बफर हाइट ऑफ अ कोच अंडर लोडेड कंडीशन। तो मिनिमम बफर हाइट जो होगी कोच की अंडर लोडेड कंडीशन, वह कितना होगा? 1030, 1030 mm। कितना होगा? 1030 mm, आंसर डी। इन एयर ब्रेक सिस्टम, ब्रेक पाइप प्रेशर इन द रियर SLR इज 4.8 kg/cm². नेक्स्ट इज मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ व्हील डाया इन ICF कोचेस। तो मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ व्हील डाया इन ICF कोचेस इज हाउ मच? 13 mm। हाउ मच? 13 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीरियोडिसिटी ऑफ ए शेड्यूल एग्जामिनेशन ऑफ अ कोच इज हाउ मच इज 1 month। ए शेड्यूल कितने टाइम होता है? 1 महीने में होता है। नेक्स्ट है, द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेस हैज एंटी क्लाइंबिंग फीचर। कौन सा फीचर होता है? एंटी क्लाइंबिंग फीचर। इसमें ऑप्शन देखिए, लिखा हुआ है एंटी स्लिपिंग, एंटी रोटेशन, एंटी क्रिपिंग एंड एंटी क्लाइंबिंग। तो एंटी क्लाइंबिंग फीचर जो होता है वह CBC जो LHB कोचेस में फिटेड होते हैं, उसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर होता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक और ATL यूज इन BLC वैगन। तो BLC वैगन में कितने ATL यूज करते हैं? तो BLC वैगन में टोटल हम 8 ATL यूज करते हैं। कितने ATL यूज करते हैं? 8 ATL। BLC वैगन क्या होता है? बोगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर वैगन, है ना। इन कंटेनर वैगन को हम BLC वैगन बोलते हैं। इसमें LCC F20C बोगी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, RDS और टेक्निकल पैम्पलेट्स यूज फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनो बोगी। RDSO जैसे टेक्निकल पैम्पलेट्स जारी करता है हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जैसे हर एक बोगी कंपोनेंट्स हो गया या वैगन कंपोनेंट्स हो गया, तो उसमें RDSO कुछ टेक्निकल पैम्पलेट्स जारी करता है। तो कैसनव बोगी का मेंटेनेंस करने के लिए जो वह पैम्पलेट्स जारी करता है, वो कौन सा पैम्पलेट्स होता है? उसको बोलते हैं G95। कौन सा पैम्पलेट बोलते हैं? G95। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ISO 3834 इज कंसर्न्ड विथ। ओके, तो ISO 3834 जो है, तो वह किस लिए कंसर्न्ड है, इसका क्या कंसर्न है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूजन वेल्डिंग। ये इसका कंसर्न किससे है? फ्यूजन वेल्डिंग से है। नेक्स्ट है, इसी में ऑप्शन देखिए, हम लिखा है क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं ISO 54001। एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? ISO 5000 5000 and 1 more 0 than 1। एंड क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, देर इज वन मोर, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके लिए कौन सा ISO स्टैंडर्ड जारी होता है? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए ISO स्टैंडर्ड जारी होता है ISO 14001। दैट इज अनदर ISO स्टैंडर्ड, 14001 इज इशूड फॉर क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज हिंदी डे. हिंदी डे, हिंदी दिवस कौन से दिन को हम हर एक साल मनाते हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, 14 सितंबर. क्या होगा, 14 सितंबर. नेक्स्ट इज वेन वर द रूल्स ऑफ राजभाषा अडॉप्टेड. राजभाषा का जो रूल है वह कौन से सन में अडॉप्ट किया गया, 1963, 1967, 1976 और 1986. 1963, 1967, 1976 एंड 1986. दैट आंसर इज व्हाट, 1976. 1976. नेक्स्ट इज गुजरात कम्स अंडर रीजन एज पर राजभाषा रूल्स. एज पर राजभाषा रूल्स गुजरात कौन से रीजन में कवर होता है. तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ एक बार, कौन कौन से रीजन में कौन से स्टेट्स कवर किए जाते हैं. तो जो ग्रुप ए है उसमें मेनली, या का स्टेट जिनको बोलते हैं, उसमें बिहार, जो हिंदी भाषी राज्य हैं जनरली, जहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, केवल हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है जनरली, ऐसे राज्य कवर किए जाते हैं. जैसे बिहार हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया. तो ऐसे स्टेट्स जो होते हैं वह का स्टेट्स कहलाते हैं. और इसमें यूनियन टेरिटरी जैसे हो गया दिल्ली और अंडमान निकोबार. ओके, और जहाँ पे हम खा स्टेट की बात करते हैं उसमें गुजरात, जैसे वहाँ गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, पंजाब पंजाबी बोली जाती है ना. यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ हो गया, दमन एंड दीप एंड दादरा एंड नगर हवेली, अब तो ये दोनों एक हो गए है ना. तो ऐसे जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो खा स्टेट में काउंट होते हैं, और खा रीजन में काउंट होते हैं. और इसके अलावा जितने भी अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं वो खा गा स्टेट्स में काउंट होंगे. तो यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन क्या है, गुजरात किस समूह में आता है. तो गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब जो है समूह खा में आते हैं. किस में आते हैं, समूह खा में. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएफसी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएफसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन. स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, सबसे पहले आपको परिभाषा बता दूं मैं इसकी, कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होता है वो डिफाइन कैसे होता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट टाइम है ना, डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ पावर जनरेटेड बाई इंजन है ना. तो फ्यूल का कंजम्पशन पर यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, और साथ में इंजन जो है हमारा वह कितना पावर जनरेट कर रहा है, उन दोनों का रेशियो जो होता है वह कहलाता है क्या, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन. वो क्या कहलाता है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है ना. तो इसकी यूनिट जो होगी, तो इस तरह से अगर हम बात करें तो अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स वॉट, किलोग्राम पर आर. किलोग्राम पर आर, 1 घंटे में कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है ना. दैट मीन्स इसकी यूनिट देखो मैं किलोग्राम में लिख रहा हूँ, किलोग्राम पर आर डिवाइड बाई वाट, किलो वाट आर डिवाइड बाई किलो वाट आर. ओके, तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे है ना. तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइट स्मोक कमिंग फ्रॉम एग्जॉस्ट मीन्स वॉट. व्हाइट स्मोक कमिंग फ्रॉम एग्जॉस्ट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, लिव ऑयल बर्निंग इन सिलेंडर. लिव ऑयल बर्निंग इन सिलेंडर, और जैसे वाटर मिक्सिंग होता है ना, तो उसके कारण तो नहीं, लिव ऑयल का जो पूरी तरह से कंजम्पशन जो होगा वो सिलेंडर में, कंबसन सिलेंडर में हो जाता है, इस कारण से क्या होता है, वाइट स्मोक आने लगता है. तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चंस जो हमने आज के लेक्चर में कवर करे, और सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर